सो हे एवरीवन, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो गिट के अंदर क्या होता है? हमारे पास कुछ कंसेप्ट या कुछ टर्म्स होती हैं जो जानना बहुत ही ज़रूरी है आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सबसे पहले एक अपने पास टर्म होती है वर्क स्पेस, दूसरी टर्म हमारे पास होगी स्टेजिंग एरिया, एंड देन अपने पास होगी लोकल एरिया, लोकल रेपो, लोकल एरिया रख लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपको जब भी किट पे काम करना होता है ना, तो सबसे पहले आपका काम क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने कोई फोल्डर क्रिएट किया, उसके अंदर आपने अपना कोड रख दिया। अब आपको क्या करना है, उस फोल्डर को गिट फोल्डर बनाना होता है। ठीक है, गिट फोल्डर का मतलब उसको इनिशियलाइज करना होता है, सो दैट उसमें वो फीचर्स आ जाएं जो हमें गिट प्रोवाइड करता है। तो उस चीज़ के लिए सबसे पहली कमांड आपको जो चलानी होती है वो होती है अपने पास गिट इनिट। इसका मतलब हुआ इनिशियलाइज करना। हमने उस फोल्डर को गिट से इनिशियलाइज कर दिया, गिट रेपो से इनिशियलाइज कर दिया। अब वो हमारे पास एक गिट रेपो है। ठीक है, तो जैसे आप गिट इनिट चलाएंगे, उस फोल्डर के अंदर हमारे पास एक डॉट गिट नाम की फाइल बन जाएगी। उस डॉट गिट फाइल के अंदर वेरियस फाइल्स होती हैं, उनका अपना अलग अलग रोल होता है। तो कुछ फाइल्स का रोल मैं आपको बताऊंगा, बट अभी हम बेसिक कैसे गिट काम करते हैं वो सीख लेते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास दूसरा होता है स्टेजिंग एरिया। अब स्टेजिंग एरिया का क्या मतलब हुआ, जो भी हमने फाइल गिट के अंदर, जो भी हमारे फोल्डर के अंदर पर्टिकुलर कोड हैं, पर्टिकुलर फाइल्स हैं, उन फाइल्स के ऊपर एक तरह से ट्रैकिंग सेट करना। फॉर एग्जाम्पल, कोई इन फाइल में क्या चेंजेस कर रहा है, गिट हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जैसे हमने मान लीजिए एक कोड है, हमने उस कोड को सेव कर दिया, उस फाइल को सेव कर दिया। ओके, अब मैंने उस फाइल में कुछ चेंजेस किए, तो गिट हमें बताएगा कि किस पर्सन ने किस टाइम पे क्या चेंजेस किए। चाहे आया आप एक डॉट का ही चेंज क्यों ना करें, गिट वो सारी चीज़ें ट्रैक करता है। तो वही चीज़ हम स्टेजिंग एरिया में डालते हैं, सो दैट गिट अपना ट्रैक करता रहे कि हम उस पर कौन सा यूज़र क्या चेंजेस कर रहा है। स्टेजिंग एरिया का ये मतलब हुआ। इसलिए जब हम गिट इनिट करते हैं ना, तो हमारे पास एक वर्क स्पेस हो जाता है, ये वहाँ पे काम करने का एक तरह से वो आपके लिए काम करने की जगह है। ठीक है, जब आपने देख लिया कि हाँ मैंने कोड लिख दिया, अब ये कोड ठीक है, मैं उसको स्टेजिंग एरिया पे डाल दूंगा ट्रैक करने के लिए, सो दैट फ्यूचर में कोई उसके ऊपर चेंज करे तो हमें पता लगे कौन चेंज कर रहा है। और आप इजी वे में ही बताऊँ तो, आपको अगर किसी सेंट्रल रेपो पे सर्वर पे अगर आप कोड को पुश करना है, तो आपके पास एक स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, स्टेजिंग एरिया पे जाने के लिए हमारे पास कमांड होती है गिट एड, डन। अब गिट एड से क्या हुआ, आपने एक तरह से ट्रैकिंग सेट कर दी उसमें, या उसे स्टेजिंग एरिया में भेज दिया। आफ्टर दैट आपने स्टेजिंग एरिया में भेज दिया, मतलब आपका कोड फाइनल है, तो अब आप तैयार हैं उस कोड को पुश करने के लिए। बट उससे पहले जो मैंने आपको बताया था कि गिट हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जो भी हम कोड लिख रहे हैं वो हमारे लोकल रेपो पे भी सेव रहता है, तो उसके लिए हम जो कमांड यूज़ करते हैं वो होती है गिट कमिट। तो एक तरह से आपके लोकल एरिया में इस कोड को सेव कर देता है। और ये कह लीजिए कि सिंपल वे में कहूँ तो ये होगा कि आपने जो भी चेंजेस किए हैं उन सभी को इसने सेव कर दिया है। फॉर एग्जांपल, जैसे नोट पैड है, अब नोट पैड पे जब मैं यहाँ पे जो जो मैंने लिखना था वो लिख दिया मैंने, अब मैं यहाँ सेव पे क्लिक कर रहा हूँ। तो एक तरह से आप कमिट को इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर डूइंग कमिट, अब यहाँ पे आपने कमिट दिया तो आप कमिट के साथ मैसेज भी प्रिंट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा -m, और यहाँ आप जो भी मैसेज देंगे ऐसे कोट्स के फॉर्म में देंगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फर्स्ट कमिट, या जो भी आपको लिखना होता है। ठीक है, तो ये मैं आपको कमांड्स के थ्रू बताऊंगा, अभी जस्ट एक ओवरव्यू बता रहा हूँ जिस तरह से हमारा गिट काम करता है। आफ्टर दैट अब आप पुश करने के लिए रेडी है, तो अब आपको अपना कोड पुश करना है किसी सर्वर पे, सेंट्रल सर्वर पे। तो यहाँ आप गिट पुश कमांड का यूज़ करते हैं। बट जैसे आप यहाँ गिट पुश का कमांड का यूज़ करेंगे, ये आपसे पूछेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी आइडेंटिटी सेट करनी पड़ती है। आइडेंटिटी कैसे सेट करते हैं वो आपको कमांड्स के थ्रू बताता हूँ। एंड आफ्टर दैट गिट पुश के बाद यहाँ पे आपको एक वहाँ का URL प्रोवाइड करना पड़ता है जहाँ भी आप अपने उस कोड को पुश करना चाहते हैं। तो यहाँ आपसे वो URL मांगेगा, आपको एरर शो करेगा यहाँ पे।
तो ये चीज़ मैं आपको करके बताऊंगा। अभी मैंने आपको एक बेसिक सा बताया कि किस तरह से हम ये कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। ये जो 3 स्टेप है ना, ये कंपल्सरी एक तरह से ये एक के बाद एक है। अभी इस वीडियो का मेन पर्पज़ यही था कि आपको समझाना कि हमारे पास कौन कौन से किस कमांड का क्या मतलब होता है, क्योंकि इसके बाद जैसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मैं सीधे कमांड का टाइप करके आपको उसका इफेक्ट शो करूँगा। उस टाइम पर मैं ये नहीं बताऊँगा कि इस कमांड, और डीप टाइप नहीं करूँगा कि इस कमांड से क्या हुआ क्या हुआ। अब आपको पता है कि इस कमांड से क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो अभी ये जस्ट एक 50 to 60% है, और इसके इसके ऊपर भी कई प्रॉब्लम्स आएंगी। मैं उसी टाइम पे आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि इसका क्या सोल्यूशन है, क्योंकि जितने ज़्यादा हम प्रॉब्लम्स देखेंगे उतना ही हमारे दिमाग में जो कंसेप्ट स्ट्रांग होता जाएगा। अभी के लिए गाइज इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।